पहला क्वेश्चन, सो समथिंग फनी हैपेंड विद दिस फर्स्ट क्वेश्चन. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ वेव्स. आई थिंक 3 साल पहले मेंस में क्वेश्चन आया. क्वेश्चन है, एक यूनिफॉर्म रोप को टांग दिया गया है. किसको टांग दिया गया है? यूनिफॉर्म रोप को हैंग कर दिया. इसकी लेंथ एल है और यहां पर ट्रांसवर्स वेव एक डिस्टरबेंस भेज दी. कितनी देरी पे? टी इक्वल टू जीरो पे. कितनी देर बाद ये ऊपर पहुंच जाएगी? इसमें करना क्या होगा? हम ये कह सकते हैं जब वो यहां पहुंचेगी उसकी कुछ स्पीड होगी ऊपर जाने की सी. क्या मैं कह सकता हूं यहां पर वेव स्पीड डिपेंड करेगी अंडर द रूट ऑफ टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ. लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या हो गई? टेंशन इज वेरिएबल. मास वाली रस्सी है तो हम ये कहेंगे यहां पे टेंशन कैसे निकालते हैं. ऐसे मान लो कि ये दो रस्सियों से बना हुआ है. ये वाले को अलग मान लो और ये वाले को अलग मान लो. तो यहां पे टेंशन कितना हो जाएगा? टी इज एम वन जी. एम वन को क्या लिख सकते हैं? एम बाई एल इंटू एक्स जी. हाँ या ना? तो यहां पर मैं कह सकता हूं इस नीचे से एक्स लोकेशन पे वेव स्पीड कितनी हो जाएगी? किस रेट से ऊपर जा रहा होगा पैटर्न? अंडर द रूट ऑफ एम बाई एल एक्स जी अपॉन म्यू. क्या था? मास पर यूनिट लेंथ. तो दैट इज रूट जी एक्स. ये भी फील आ रही है ऊपर जाते जाते वेव स्पीड बढ़ती जा रही है. क्यों बढ़ती जा रही है? मास पर यूनिट लेंथ तो हर जगह सेम है लेकिन जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो टेंशन बढ़ती जा रही है. टेंशन बढ़ती जा रही है तो ऊपर तेज चल रही होगी नीचे धीरे चल रही होगी डिस्टर्बेंस. यहां से फ्लिक करके छोड़ दिया ठक तो वो वेव स्पीड ऊपर जाते जाते तेज हो जाएगी और तेज जाएगी. समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है मतलब ये नहीं कह सकते कॉन्स्टेंट स्पीड से जा रही है. इनफैक्ट मैं तो ये भी कह सकता हूं वेव स्पीड एट लोकेशन एक्स इज गिवन एज रूट जी एक्स. हाँ या ना? क्या मैं इस वेव स्पीड को बोल सकता हूं जिस रेट से ऊपर जा रही है दैट इज डी एक्स बाई डी टी? हाँ, एक्स लोकेशन किस रेट से चेंज हो रही है मतलब ऊपर कितनी रेट से जा रही है ये. क्या मैं ये नहीं कह सकता कि दिस सी इज बेसिकली दिस इज सी एट एक्स इज रूट जी एक्स. इसको लिख दूं डी एक्स बाई डी टी इज रूट जी एक्स. इसको कह दूं डी एक्स अपॉन रूट एक्स इज रूट जी डी टी. टाइम टी इक्वल टू जीरो पे लोकेशन एक्स क्या थी? जीरो. और टाइम टी पे ये लोकेशन कितनी हो गई? एल. तो ये टाइम निकल जाएगा जितनी देर में वो जीरो एक्स जीरो से एल तक पहुंच गई. इंटीग्रेट एक्स की पावर माइनस हाफ प्लस हाफ. तो ये आ जाएगा एक्स की पावर हाफ दैट इज रूट एल अपॉन हाफ कोफिशिएंट. उससे डिवाइड तो करेंगे एन एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन माइनस ऑफ रूट जीरो बाय हाफ. ये बन जाएगा टू रूट एल बाय रूट जी इज टी. ये अच्छे से समझना बहुत जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन में जरूरी नहीं है वो यहां से ऊपर तक पहुंचने का टाइम पूछे. उसने कहा लोअर हाफ कितनी देर में कवर करेगा? जीरो से एल बाय टू. अपर हाफ कितनी देर में क्रॉस करेगा? एल बाय टू से एल. लिमिट चेंज करोगे टी का आधा मत कर देना क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड से वो नहीं जा रहा. अच्छा इस क्वेश्चन का एक और वर्जन भी एक बार आया है. इन्होंने कहा देर इज अ लाइटर रोप देर इज अ हैवियर रोप. देर इज अ लाइटर रोप देर इज अ हैवियर रोप ऑफ सेम लेंथ. दोनों में नीचे ट्रांसवर्स वेव भेजी कितनी देर में ऊपर पहुंचेगी? किस में पहले पहुंचेगी?
किसमें देर में पहुंचेगी। मैंने कहा सेम होगा, एम बाई एल तो कट गया। मान लो एक और रस्सी ले लेते हैं, इसमें हमने कह दिया लैम्डा इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, लैम्डा नॉट एक्स। ये लैम्डा क्या चीज है? मास पर यूनिट लेंथ, वेवलेंथ नहीं है, मास पर यूनिट लेंथ। और इसका लेंथ है एल। अब ये तो नॉन यूनिफॉर्म रोप हो गई, इसमें टी जीरो पे यहां पे डिस्टरबेंस भेजा है, कितने टाइम में वो ऊपर पहुंचेगा? कितने टाइम में वो ऊपर पहुंचेगा? समझ में आया क्वेश्चन? तो पहले तो क्या करेंगे, यहां पर निकालनी है टेंशन, यहां पे टेंशन हो जाएगी एम वन जी। अब एम वन निकालने के लिए खुद इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि एम वन ये वाला मास है। इस मास को कैसे निकालोगे? यहां से डिस्टेंस वाई पे छोटा सा पार्ट लोगे, जिसका मास हो जाएगा डीएम। डीएम को लिख सकता हूं लैम्डा नॉट वाई इंटू डी वाई, और इसका ले लू समेशन वाई गोज फ्रॉम जीरो से एक्स, तो ये आ जाएगा लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर बाय टू। ये हो गया एम वन। तो टी एट एक्स हो गया, टेंशन एट एक्स हो गया लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर बाय टू इंटू जी। ये तो टी एट एक्स हो गया। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वेव स्पीड कितनी हो जाएगी? यहां पर वेव स्पीड हो जाएगी अंडर द रूट ऑफ टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ। यहां पे टेंशन हो गया लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर बाय टू इंटू जी। यहां पर मास पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा? लैम्डा नॉट एक्स। तो ये आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ जी एक्स बाय रूट टू। सही है? तो ये आ गया डीएक्स बाय डी टी इज रूट जी एक्स बाय रूट टू। गॉट इट? तो ये आ गया जी डी एक्स बाय रूट एक्स इज रूट जी बाय रूट टू इंटू डी टी। इंटीग्रल एक्स गोज फ्रॉम जीरो से एल, दिस गोज फ्रॉम जीरो से टी। ये बन जाएगा टू रूट एल, टू रूट एल इंटू रूट टू बाय रूट जी इज टी। डन। होमवर्क क्या होने वाला है? हैप्पी गाइस, क्वेश्चन कह रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक साउंड वेव्स टू ट्रेवल अ डिस्टेंस एल बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। हाउ लॉन्ग विल साउंड वेव्स टेक to travel between distances, to travel between points A and B, sound waves की बात कर रहा है, A and B are situated L distance apart, they are situated L distance apart, if the air temperature between them varies, यहां पे temperature T1 है और यहां पे temperature T2 है, और टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ x, टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ x। कहा है इसने ये? इफ द टेम्परेचर, एयर टेम्परेचर बिटवीन देम वेरीज लीनियरली फ्रॉम T1 से T2, इट वेरीज लीनियरली फ्रॉम T1 से T2, गिवन दैट वेव स्पीड इन एयर इज गिवन बाय गामा आर टी बाय m। मान लो वेयर वेव स्पीड इज गिवन बाय c इज गिवन बाय अंडर द रूट ऑफ गामा आर टी बाय m। अब इसमें भी क्या किया इन्होंने, टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ x तुम्हें लिखना है, टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ x तुम्हें लिखना है, क्या करोगे? इसने लीनियर फंक्शन बोला है ना, क्या मैं ये कह सकता हूं x लोकेशन पे एयर का टेम्परेचर मान लो,
टेम्परेचर एट एक्स इज ए प्लस बी एक्स. तुम कहोगे ऐसे ही क्यों लिया ए प्लस बी एक्स, बिकॉज दैट्स अ लीनियर फंक्शन. कल वो कहता क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो मैं लिखता ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. अगर वो कहता क्यूबिक फंक्शन है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, उसने कहा लीनियर फंक्शन है तो ए प्लस बी एक्स लिख दिया. अब ए और बी तुम्हें पता नहीं है, वो तुम बाउंड्री कंडीशन से निकाल लेना. जब तुम x की वैल्यू जीरो डालोगे तो टेम्परेचर होना चाहिए T1. तो T1 इज A. और जब तुम x को डालोगे L तो टेम्परेचर होना चाहिए T2. तो ये हो जाएगा A प्लस BL. तो इससे हमारा B आ गया T2 माइनस T1 बाय L. सही है कि नहीं है? इन दो चीजों से तुमने क्या निकाल लिया, लिटरली तुमने फंक्शन निकाल लिया, लीनियर फंक्शन. ये चीज आपकी आदत डाल लो कि बहुत बार वो ऐसे लीनियर फंक्शन बोल देगा. क्यों? इस साल अभी अभी आई थिंक क्वेश्चन आया है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ डायलेक्ट्रिक वेरीज फ्रॉम के वन से के टू अलॉन्ग लेंथ एल. सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, ए प्लस बी एक्स मान लोगे, एक्स को जीरो पुट करूंगा तो लेफ्ट एंड पे के वन मान लोगे, ए प्लस बी एल करूंगा तो राइट एंड पे के टू मान लोगे और ए और बी की वैल्यू निकाल लोगे. तो ये तुम्हें आदत होनी चाहिए कि कभी वो कहे कि लीनियर लीनियरली चेंज कर रहा है तो क्या मान लोगे, ए प्लस बी एक्स मान लो, एक्स को जीरो पुट करोगे तो टेम्परेचर टी वन हो गया और एक्स को हम एल पुट करेंगे तो टेम्परेचर टी टू हो गया. इससे टी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स आ जाएगा. टी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स कितना आ रहा है, टी वन प्लस टी टू माइनस टी वन बाय L into x, ये फंक्शन हो गया. आई थिंक क्वेश्चन इज ओवर या नहीं भाई? क्या करना था हमें, dx by dt is under the root of gamma r a plus bx by m. ये सही है कि नहीं है? पक्का? सी क्या हो गया, वेव स्पीड होगी ना यहां पर जिस स्पीड से जा रही है. तो हमने वो कहा वो भी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो सी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स. सी को लिख दिया dx by dt, इंटीग्रेट कर देना है, एक्स गोज फ्रॉम जीरो से एल, टाइम गोज फ्रॉम जीरो से टी, दैट्स इट. बस यहां पर तुम्हें dx के साथ ये फंक्शन रखना पड़ेगा. तो ये आगे dx अपॉन रूट ऑफ ए प्लस बी एक्स इज अंडर द रूट ऑफ गामा आर by m into dt, time goes from 0 से t, end में डाल दूंगा a और b की वैल्यू, ठीक है, and x goes from 0 से l. अब ये इंटीग्रेट करना आना चाहिए. ये कौन सा वाला फंक्शन हो गया, ये लीनियर है, बहुत आसानी से हो जाएगा. ये हो जाएगा a प्लस बी एक्स की पावर माइनस हाफ प्लस वन अपॉन माइनस हाफ प्लस वन डिवाइडेड बाई कोफिशियंट ऑफ x. कोफिशियंट ऑफ x हो गया b. तो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया ट्वाइस रूट ऑफ ए प्लस बी एक्स अपॉन बी, क्योंकि ए प्लस बी एक्स की पावर हाफ माइनस हाफ इज मतलब माइनस हाफ हो जाएगा, ऊपर माइनस हाफ प्लस वन इज प्लस हाफ डिवाइडेड बाय हाफ तो टू रूट हाफ हो जाएगा ना. अब लिमिट भी डाल दो जीरो से एल, जीरो से एल ये कितना आ गया, टू बाय बी अंडर द रूट ऑफ ए प्लस बी एल माइनस ऑफ रूट ए. तुम्हें पता है ए और ये सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी ए और बी के लिए. क्यों? आंसर में क्या बना, ए प्लस बी एल दैट इज टी टू और रूट ए दैट इज टी वन. तो ये आंसर बन गया ट्वाइस रूट T2, हाँ माइनस रूट T1 अपॉन B. यही तो बना. Got it or not? Is equal to gamma R by M into time. हाँ यहां से टाइम निकल जाएगा. रुक जाओ, यहां पर बी तो डालना पड़ेगा.
बी कितना था, टी टू माइनस टी वन बाय एल, बी कितना था टी टू माइनस टी वन बाय एल, तुम्हें फैक्टराइज होता हुआ दिख रहा है, डिनोमिनेटर में लिख दो रूट टी टू प्लस रूट टी वन इंटू रूट टी टू माइनस रूट टी वन, रूट टी टू माइनस रूट टी वन कट जाएगा, तो ये बन जाएगा ट्वाइस एल अपॉन रूट टी टू प्लस रूट टी वन इज अंडर द रूट ऑफ गामा आर बाय एम इंटू टी, डन।